एवरीवन गुड, अरे पता भैया मैं किसकी बोल रही थी, चश्मे की, तब मुझे याद आया। हे एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह झाड़ू पहुंचा, नहाना धोना, चाय पानी सब कुछ हो चुका है, लड्डू हमारा सो रहा है, और क्या कह रहा है ये, और हम जा रहे हैं सरोजनी नगर, और हो सकता है ये हमारी सरोजनी नगर की लास्ट हो, मतलब जब तक हम यहाँ हैं तब तक लास्ट हो। आई होप, मतलब आई होप क्या करूँ, आशा करती हूँ लास्ट ही होगी। आशा मतलब आशा नहीं करना मुझे, मुझे तो रहना है, बट क्या करूँ क्या करूँ। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ, और लड्डू को लेके नहीं जा रही हूँ, पहले हमारा प्लान था कि ये जाएंगे गाड़ी से और ये लोग बैठे रहेंगे गाड़ी में और हम लोग जाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि भैया हैं यहाँ पर, तो फिर मैंने भैया को कॉल किया और फ़ोन किया, कॉल किया तो फिर भैया आ गए, भैया कभी मना नहीं करते है ना, तो भैया आ गए। भैया कल आए थे, फिर कल वापस चले गए, फिर आज सुबह का प्लान बना, अब जल्दी निकलते हैं मार्केट खुलने से पहले, जिससे हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी अच्छी शॉपिंग कर सकें। हो सकता है मैं थोड़ी बहुत क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि वहाँ शॉपिंग पहले करूँगी, सूट हो या ना हो शॉपिंग ज़रूरी है ना। हाँ तो इसलिए अब चलते हैं। मैंने ये लूज सी कुर्ती पहन ली है, क्योंकि कोई कपड़े मुझे फिट नहीं हो रहे और लूज कपड़ा मुझे कंफर्टेबल फील होता है। पानी की बोतल ले ली, मौसम ख़राब होगा इसलिए हमने छतरी ले ली है, पैसे भरपूर ले लिए क्योंकि वहाँ पर पैसे की कमी पड़ जाती है। जो मेरा मेन पर्स है उसको मैं नहीं लेके जा रही, जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, और मैं अपना ये वाला लेके जा रही हूँ। ये मेरा इतना पुराना है और इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही, ये भी मैंने सरोजनी नगर से लिया था, बट बहुत अच्छा है, अभी तक ही चल रहा है। होता ना कोई कोई, इतने ज़्यादा पर्स होते हैं लेकिन कोई कोई फेवरेट होता है। वो दूसरे होंगे पता नहीं, आ जाओ भैया की शक्ल भी दिखा देती हूँ। तो भैया भी नहा धो के आ चुके हैं एकदम रेडी वेडी होके, तो भैया के साथ जा रही हूँ, हेलो बोल दो। हेलो। तो भैया के साथ जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। भैया हम कैसे जा रहे हैं, टेम्पो से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे फिर मेट्रो से। हाँ यहाँ से जाएंगे, टेम्पो नहीं मिलेगा, ऑटो, यहाँ से जाएंगे ऑटो से, फिर वहाँ से जाएंगे मेट्रो से। मैंने सोचा तुम बाइक लेके आए होंगे। चलो चलो चलते हैं दोस्तों, और हमारा लड्डू सो रहा है, सारा काम हो चुका। बेटा तुम नहा लेना, ये नहाने गए हैं फिर ये मंदिर जाएंगे, चलिए चलते हैं। अच्छा मैंने काजल लगा दिया इसको, कैसा लग रहा है, पापा को बोल देना इसका फेस वॉश करके, मतलब ऐसी नॉर्मल फेस वॉश करके और क्रीम लगा दें, ठीक है। मालिश वालिश तो मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, पहिया छोटे छोटे मेरे बच्चे के पहिया कर तो लिया, ऐसे ऐसे कर तो लिया। चलो बाय। भैया ने लगा दिया है चश्मा, मेरा वाला, लड़कियों वाला, देख लो गजब बेइज्जती है। स्टाइलिश चश्मा चाहिए ना, ये दोनों लगा सकते हैं ना भैया, अच्छा लग रहा है ना। हाँ अच्छा लग रहा है, चलो मैंने भी लगा लिया है दोस्तों, मैंने भी लगा लिया है, अब चलते हैं क्योंकि वहाँ पे धूल मिट्टी होती है, तो ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी। मास्क भी मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि अभी सुन रहे हैं ना कोविड वगैरह, हाँ मैं तो लेके जा रही हूँ। चलो बेटा हाँ अच्छे से रहना, ठीक है बाय। ऑटो में बैठ चुके हैं, अभी चलते हैं हुड्डा सिटी सेंटर, वहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे और निकल जाएंगे सीधा सरोजनी नगर, सीधा निकल जाएंगे सरोजनी नगर। ये मुझसे बोल रहे थे कि क्या कहते हैं इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो वहाँ पर, लेकिन सही है अपन पहुँच जाएंगे सही टाइम तक, पहुँचेंगे मार्केट खुलेगा। और मैं इस वाले दिन का इंतजार कब से कर रही थी, क्योंकि हम लोग कभी भी सरोजनी नगर जाते थे ना तो बहुत लेट पहुँचते थे, और लोगों के हाथों में जो भैया शॉपिंग की पॉलीथिन होती थी ना, तो उनमें ऐसे अच्छे अच्छे आइटम होते थे, हमें लगता था कि यार हम लेट हो गए, इन्होंने सारे ले लिए, भाई कोशिश करेंगे माता रानी के पास से अच्छी तरह सारा सामान मिल जाए, और चलिए चलते हैं। हाँ ठंड सी लग रही है भैया, कहाँ मिलेगा, अच्छा निकाल लो। तो अभी नया ओपन हो गया है हुड्डा सिटी सेंटर पर, सही है यार, नहीं लेगा वो, ले लिया 50 का वापस आ जाएगा। ये हुड्डा सिटी सेंटर पे न्यू ओपन हो गया है, बहुत अच्छा है, और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, बहुत मस्त अमेजिंग है यार, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, वरना इतनी लाइन लगी रहती थी। तो अब यहाँ पे क्या 100 रुपये अलाउ नहीं कर रहा है, ये 50 रुपये ही देने पड़ेंगे, तो इस वजह से अभी ये गए हैं बाहर टोकन लेने के लिए। पहले 60 का था शायद सरोजनी नगर का, लेकिन अब 50 का, नहीं सैटरडे संडे शायद 50 का हो जाता है, इसलिए आज 50 का है। तो चलिए चलते हैं, और भैया लेने गए हैं टोकन, उनके पास तो ऑलरेडी कार्ड है, कार्ड तो मेरे पास भी था बट उसमें बैलेंस नहीं है, उनमें डलवा भी नहीं रही, क्योंकि अब हम जहाँ से जाएंगे तो फिर क्या करेंगे डलवा के, है ना। तो भैया आ रहे हैं, और यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है,
मैं सोच रही थी कि आ गई है। तो फाइनली हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन। वैसे अब पिछली बार 2-3 बार आई हूँ ना, तो यहाँ पे वो मिला है मुझे, मतलब मेट्रो लगी हुई मिली है, मेट्रो आ ही रही है। उस साइड की आ चुकी है, इधर की नहीं आ रही। आ गई, आ रही है क्या? दो मोबाइल कनेक्ट, दोनों मोबाइल कनेक्ट है आपके? मुझे नहीं पता, वो तो चल ही नहीं रहा, लेकिन नहीं, लेकिन डिस्कनेक्ट करूँगी क्योंकि फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा ना जल्दी, बैटरी डाउन होती है उसकी। तो ये है एमजी रोड, यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं और गुड़गांव स्पेशली मॉल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पे सड़कें बहुत प्यारी प्यारी हैं, मॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए दिल्ली और नोएडा से महंगा भी बहुत ज़्यादा है गुड़गांव। और हम लोग यहाँ पे अक्सर शॉपिंग करने आया करते थे, और बस मैं यही सोच रही थी, वीडियो बना रही थी उस टाइम पे, पता नहीं मैं अब कब आऊँगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं आएंगे यार, अभी उम्र ही क्या है, सारी दुनिया देखनी है अभी तो हमें। बट ग्वालियर जाने से पहले मतलब मैं देखना चाहती थी, तो अभी मैंने देख लिया। और मैं यही सोच रही थी कि अब मैं लास्ट टाइम मेट्रो में बैठी हुई हूँ मतलब ग्वालियर जाने से पहले, और अब नहीं जा पाऊँगी शायद मेट्रो में। अब कभी घूमने आएंगे तो ही जा पाएंगे, और वैसे भी घूमने आएंगे तो अपनी पर्सनल गाड़ी से ही आते हैं, आपको पता ही है आजकल तो इस वजह से। और यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी मोमेंट्स थे उनको कैप्चर कर रही हूँ। भैया अपना फ़ोन वोन चला रहे थे और इनको टाइम नहीं था। दूसरी बात, बेबी के साथ मार्केट जाना पॉसिबल नहीं है, ऊपर से सरोजनी नगर जैसे मार्केट में तो बच्चों को लेके बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए अवॉइड किया। फिर इन्होंने बोला भैया को लेके, मतलब उसको लेके चलना, तो फिर मैंने भैया को कॉल किया और भैया आ गए, और मैं जा रही हूँ भैया के साथ शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, हम आ गए हैं INA, अब सरोजनी नगर के लिए यहाँ से करेंगे चेंज, उधर से जाएंगे, सीढ़ियों से चल के नहीं जाएंगे। एक्चुअली सीढ़ियों से चल के जा भी सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं जा रहे हैं ना कि अगर सीढ़ियों से चल के जाएंगे हम थक जाएंगे फिर मार्केट में, और ज़्यादा थक जाएंगे। और 3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए मुझे थकान जैसी महसूस हो रही है, दर्द की टेबलेट खा के आई हूँ मैं। सोचो कि हम लोग शॉपिंग के कितने बड़े लवर होते हैं कि दर्द की टेबलेट खाने के बाद हम सरोजनी नगर आते हैं। क्यों भैया? भैया मना कर रहे थे, फिर मैंने टेबलेट खोली तो भैया बोल रहे थे खुलने के। कितने घंटे बाद भैया? कितने घंटे बाद तक असर नहीं करती फिर वो? 30 मिनट के बाद। 30 मिनट के बाद? आप लोग बताना कि 30 मिनट के बाद असर नहीं करती क्या? डॉक्टर से पूछ लेना, तो इसलिए फिर मैंने खा ही ली। चलिए चलते हैं यहाँ से, अभी चेंज करेंगे हम। और पता है मैं हील वगैरह नॉर्मल सैंडल पहन के आई हूँ, हील वगैरह नहीं पहन के आई। चलो चलो फास्ट फास्ट भैया, नहीं नहीं फास्ट ही चलना है, आसान ही। तो मैं भैया एक बार मैं पहन के आ गई सैंडल, यहाँ पे इतना स्लीपरी है ये बहुत ज्यादा। कौन सी बजाना, शिव बिहार वाली में? क्या मैं बताऊंगी कौन सी बजाना है। तो सरोजनी नगर जाने से पहले आप कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कैरी बैग लेके जाएं और पानी की बोतल लेके जाएं, खुले पैसे लेके जाएं 10, 20, 100, 50 के, क्योंकि वहाँ पर कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैश लेके ज़्यादा जाएं। और सबसे मेन बात कि आपका जो बैग है जिसमें पैसे वगैरह हैं और आपका फ़ोन, उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये तो हर मार्केट में यही होता है जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। ओ माई गॉड, देख रहे हो भैया भीड़? हाँ तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। मोबाइल बंद, पहले करना शॉपिंग। हाँ हाँ
काम की। फाइनली हम लोग आ गए हैं सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन पर। अब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे और उसके बाद करेंगे धनाधन शॉपिंग। अगर मार्केट ओपन हो गई होगी, अभी समय हो रहा है कितना भैया? अरे इससे पहले खाएंगे कचौड़ी, अगर कचौड़ी वाला होगा तो ही खाएंगे ना। चलिए, वैसे मैं ब्लैक स्टॉल डाल के आने वाली थी, बट क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि यही डाल लेती हूँ। आज मुझे स्टॉल भी लेनी है भैया यहाँ से, चाहे कितने की भी आए। रेट बढ़ गई है, रेट बढ़ गई है, पहले इतनी नहीं महंगी नहीं थी। ये बहुत बहुत घुमा रहे हैं ये, यहाँ से इधर से घूमना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, इसलिए वहीं से आ जाते तो भी ठीक रहता। यार भैया मैं कितना मिस करूंगी, पता है कितना मिस करूंगी यहाँ, पता है तुम्हें? हाँ भाई, ये हर जगह जाते, मैं तुम्हारी कैमरा मैन हूँ क्या भैया? हाँ, बोल लगेंगे पैसे, बताओ कितने पैसे दोगे एक फोटो के? गजब बेइज्जती है। सबसे ज्यादा बड़ा एस्केलेटर यही है भैया, हाँ सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सर और ये दिन में बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है भैया। थैंक यू सो मच फॉर शॉपिंग। अब आएंगे आपके पास फोन। हाँ। अरे भाभी के संग कहाँ घूम रहा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मैं जो अच्छी वे में बोलते हैं उनकी नहीं बोल रही, लेकिन जो नेगेटिव वे में बोलते हैं, गलत सोचते हैं, उनको बता दूं मैं। जो लोग स्पेशली वीडियो देखने के बाद भैया को फोन करते हैं, ये उनके लिए सिर्फ और किसी के लिए नहीं है कि यार आप अपनी लाइफ एंजॉय करिए, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके बोलने ना बोलने से। इसलिए मार्केट अभी ओपन हुआ नहीं है, ये पानी पूरी वाले भैया आ गए, सब लोग आ गए, मार्केट अभी तक ओपन नहीं हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ओपन हो रहा है, आ गए कुछ लोग तो चलो चलो चलते हैं। तो अभी हम एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे दुकानें लगना स्टार्ट हो गई हैं। भैया को किसके लिए, आपको किसके लिए शॉपिंग करना है? सोनम के लिए करना है, मेरी इनके अपनी बहन के लिए करना है सोनम के लिए शॉपिंग, और मुझे तो सबके लिए ही करना है, जो मिल जाए तभी बस कर लो शॉपिंग। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं, चलो इधर से भैया।